हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के फतेहपुर में भू संरक्षण विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी विवेक कुमार फतेहपुर के बड़ूखर सेक्शन में बतौर जूनियर ड्राफ्ट्समैन कार्यरत है। विजिलेंस ने बुधवार को ये कार्रवाई अमल में लाई है। विजिलेंस के एएसपी बद्री सिंह ने बताया कि कांगड़ा निवासी कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार ने इस बारे में शिकायत की थी। शिकायत में लिखा था कि फतेहपुर के बड़ूखर सेक्शन में कार्यरत आउटसोर्स पर तैनात जूनियर ड्राफ्ट्समैन विवेक कुमार 1,10,000 रुपए सब्सिडी के बिल के बदले 12,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने एक टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्री सिंह की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। टीम में इंस्पेक्टर संदीप, बचन सिंह, दलीप, एचएचसी अनिल, एचएचसी ओंकार, आरक्षी चंदना और अनिल आदि शामिल थे। आरोपी को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।